नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बारिश को लेकर। बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बारिश के बाद से किसानों के साथ साथ आम लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है। बुधवार को प्रदेश में जिस तरह से बारिश हुई, उसके बाद से तापमान में कमी देखने को मिल रही है। इस दौरान आम लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बारिश होने से जहां तापमान में कमी देखी गई, तो वहीं पर किसानों ने भी राहत की सांस ली है। बारिश न होने से धान की फसल को नुकसान हो रहा था, लेकिन बरसात के बाद से एक बार फिर से किसानों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है कि आने वाले समय में बारिश होगी, जिससे कि धान की फसल की रोपाई की जा सके। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह कहा गया है कि विभाग ने यह साफ तौर पर कहा है कि गुरुवार को प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बताया है कि बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में तेज बारिश होने की संभावना। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अन्य ऐसे 8 जिले हैं जहां पे बारिश के साथ साथ ठंड का गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि मॉनसून की टर्फ लाइन इन दिनों पटना से होकर गुजर रही है, जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का जोर है। कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश में नमी बढ़ी रहेगी। बता दें कि इन दिनों मौसमी सिस्टम झारखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मौसमी सिस्टम जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में जमकर बारिश हुई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश के 8 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि गुरुवार को लेकर विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मुंगेर, खगड़िया, दरभंगा, शिवहर, कैमूर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा में कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की बात कही गई। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर मौसम खराब रहा तो इस दौरान आप घर से बाहर न निकले। लोगों को पेड़ के नीचे या फिर बिजली के खंभों के पास खड़ा होने से साफ तौर पर मना किया गया है। बुधवार को प्रदेश में हुई बारिश और वज्रपात के कारण कई लोगों की जान चली गई। बता दें कि प्रदेश में 5 जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की जान गई है, जिसमें सिवान में 1, समस्तीपुर में 1, गया में 1, खगड़िया में 1, सारण में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। सीएम नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौत को दुख जाहिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दुख की इस घड़ी में हुए प्रभावित परिवारों के साथ है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही साथ सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मौसम खराब हो तो घर से बाहर ना निकले, वज्रपात जैसी स्थिति हो तो आप पक्के मकान में ही रहे। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मौसम की इस स्थिति में लोगों को घर में रहने की सलाह देता रहा है और अपडेट भी जारी करता रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।